मतलब थोड़ा सा सिविक सेंस नहीं है यहाँ का लोग को कि गाड़ी कैसे पार्किंग किया जाता है। ये टूट गया। सो हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू सराय डिजिटल नेटवर्क। तो आज फाइनली हम जाने वाला है घर, बहुत दिन एंजॉय किया। सो आज का रूट होगा फ्रॉम गुवाहाटी टू तेजपुर वाया नौगांव एंड फ्रॉम तेजपुर टू भालपुंग रूट टूवर्ड्स टेंगा। सो जाने का प्लान था लगभग आपका 4 बजे, बट सुबह उठ के देखा तो अंधेरा था। अभी टाइम हो रहा है 6:19, बिकॉज 5 बजे भी अंधेरा था। सो एनी वेज कोई बात नहीं, अकेला ही जाना है इसलिए आराम से निकलने से भी कोई हड़बड़ी करके भी फ़ायदा नहीं है। पैकिंग मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे है मेरा ट्रॉली, दिस विल बी माय बैग, इसके अंदर मेरा लैपटॉप सब कुछ है एंड ये मेरा कुछ खाने का है जो हम रास्ते में खाएगा एंड ये टेबल थोड़ा मैसअप है। सो आई थिंक वी आर ऑल सेट टू गो। सो चलते हैं, सामान को गाड़ी में डालते हैं एंड निकलते हैं। सो गाइस, अभी जस्ट नीचे उतरा ही था गाड़ी में सामान रखने के लिए एंड डायरेक्ट मेरा मूड ख़राब कर दिया। यहाँ नहीं किया था हमने गाड़ी पार्किंग, वहाँ पीछे भी गाड़ी है एंड ठीक मेरा आगे। मतलब थोड़ा सा सिविक सेंस नहीं है यहाँ का लोग को कि गाड़ी कैसे पार्किंग किया जाता है एंड अभी यहाँ से निकलेगा बोलने से दिस एंट्रेंस इज ऑल्सो ब्लॉक। ये एंट्रेंस भी पूरा बंद है। मतलब थोड़ा पार्किंग कैसे करना है इसका भी अकल नहीं है। कहाँ से निकलूँगा, अभी इतना लेट भी हो रहा है ऊपर से। सो गाइस, इट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग। अभी इसका वजह से हम निकल नहीं पा रहे हैं। अभी क्या करेगा यहाँ बैठ के, रूम ही चला जाएगा डायरेक्ट। लेकिन दिस इज़ नॉट डन, दिस इज़ वेरी रॉन्ग रियली। मतलब एक हद होते हैं, बाई चांस अगर हम लोगों को कोई इमरजेंसी होने से, किसी को कुछ हो जाने से और हम लोग को फटाफट हॉस्पिटल रश करना होने से, अभी सोच के आप लोगों को पार्किंग करना चाहिए। दिस इज़ नॉट रियली डन। हम लोग के पास भी पार्किंग है, हम लोग का भी जगह है, लेकिन हम लोग का जगह में अगर कोई रख देते हैं तो उसको हम लोग थोड़ी ना ऐसे ब्लॉक करते हैं। सोचना पड़ता है, सब एक दूसरे के लिए सोचते, एक दूसरे के लिए सोचना पड़ेगा ना, तभी तो जाके अब ये दुनिया चलाएगा। अब आई गॉट टू नो कि ये उसका पार्किंग था, ओके एक दिन के लिए हम इमरजेंसी था, रात का 12 बजे आया था तो उसमें हमने रख दिया, तो ओके ना, आप रास्ता ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, हम समझ जाएगा कल को आप अगर पार्किंग, या तो मेरे गाड़ी में नोट छोड़ दो दिस वॉज माई पार्किंग, इतना भी काफ़ी था। पहले से बीच में रास्ता रुका के रख देना काला बिल्ले जिसे। 6 बजे जाने वाला आदमी 10 बजे निकल रहे, अभी तक तो हम शायद भालपुंग पहुँच गया होना था एंड आगे भी निकल गया होना था। अभी लास्ट एक बार देखते हैं गाड़ी है कि नहीं, होने से देखना पड़ेगा, ओनर को ढूंढ के थोड़ा बात करना पड़ेगा, नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अभी डायरेक्ट निकल जाएगा बिकॉज मेरे पास भी टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। आज हम घर तो मतलब थोड़ा रात को पहुँच गए थे। अरे मेरा प्लान था कि हम जर्नी को जल्दी सुबह में शुरू करके सुबह में ही ख़त्म करेंगे ऐसे टाइप से दिन को, बट हो गए नहीं। देखते हैं गाड़ी है कि नहीं। अभी तो गाड़ी नहीं है, अभी क्या करेगा, तब तो जल्दी निकलते हैं ना हम लोग, लेट्स गो। यही होता है अगर आप गुवाहाटी दिन के समय में छोड़ते, बहुत ट्रैफिक हो जाता है, स्पेशली ये जो इन लोगों का नेशनल हाईवे, यहाँ भी बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत दिमाग खराब है यार। सो यहाँ से अगर आप लोग राइट जाएगा तो आप लोग को मिलेगा शिलोंग एंड दिस पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज जोराबाद। गुवाहाटी छोड़ के थोड़ा दुख हो रहा है बिकॉज लास्ट टाइम जब हम ये रास्ता से गुवाहाटी आ रहा था इट वॉज़ वेरी प्लेजेंट एंड बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है बिकॉज क्या बोलेगा, लास्ट टाइम जब हम आ रहा था मेरा दोस्त लोग को नहीं बोला था कि हम आ रहे हैं, पूरा रास्ता उन लोग से फ़ोन में बात भी किया था हमने स्पीकर के थ्रू से,
पर उन लोग हमने बताया भी नहीं हम आ रहे हैं। एंड जैसे जैसे हम गुवाहाटी के सामने सामने पहुंच रहा था, ठीक उसी तरह मेरा दिल भी लाइक थोड़ा बीट बहुत हार्ट बीट फास्ट हो रहा था, बिकॉज हम बहुत मतलब लॉकडाउन के बाद मेरे दोस्त लोग से मिलने वाला है। सो अभी हमको थोड़ा दुख लग रहा है बिकॉज हम गुवाहाटी छोड़ रहे हैं। सो क्या बोलेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी घर तो कभी ना कभी तो जाना ही था, हमेशा तो यहाँ बैठ नहीं सकते। सो एनीवेज चलते हैं अभी। वैसे भी मूड इतना अच्छा बोल के भी तो नहीं है, आप सभी ने मॉर्निंग को देखा ही था मेरे साथ क्या हो गया यार, मतलब एनीवेज बैक ऑन द रोड। ओके सो SJKM का बैटरी हो गया ख़त्म, एंड सेम गोस पावर बैंक का भी बैटरी ख़त्म हो गया। हमने चार्ज नहीं किया था, हम सोचा पावर बैंक बैटरी बचा है, माई बैड, देखता हूँ अभी कुछ उपाय। सीधा जाने से आपको जोरहाट है, बट विल गो लेफ्ट टुवर्ड्स तेजपुर। ऑलराइट, सो अभी हम लोग पहुंच गए मिशन चराली, एंड किलोमीटर हुआ है 182। सो अभी यहां से हम लोग को लेना पड़ेगा राइट टुवर्ड्स बालपुम, सीधा जाएगा तो कोई औरंग रोड है। मेरे दोस्त लोग को पूरा छोड़ के आया बोल के, उसका बाद लाइक गाड़ी में बैठा तो गाड़ी का गाना लोग इतना दुखी दुखी है, पूरा सेंटी सेंटी वाला गाना है। प्लस अभी जो हमने बाहर का मौसम दिखाया था ना, देख के देखो ना, लाइक बाहर का मौसम भी इतना दुखी है, रोना आ रहा है सच में। एनीवेज अभी चलो चलते हैं, बालपुंग पहुंचने वाला अभी थोड़ी देर में। एंड बारिश शुरू हो गया, देखिएगा कैसे ऐसे। सो जब जब हम बालपुंग आते हैं या बालपुंग से गुजरते हैं तब हम ये रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, एंड ट्रस्ट मी ये रेस्टोरेंट का खाना बहुत टेस्टी है, हम फेक नहीं रहे, अच्छा सब्जी वब्जी देते हैं, अच्छा क्वांटिटी में देते हैं, एंड बहुत कुछ देते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं। एंड अभी लाइक क्या बोलते हैं, अभी हमको एक्चुअली खाना खाने की तो ज़रूरत नहीं है, बट जो अभी हम नेक्स्ट जाएगा अभी जो रास्ता उसमें हमको शायद भूख लग सकते हैं एंड हम सुस्ती पड़ सकते हैं, इसलिए हम खाना खाएगा। सो अभी हम खाना खा के आते हैं। सो फाइनली हमने अभी खाना खा लिया ये गरुबा होटल में, जैसे हमने आगे बताया था, हमने आगे क्यों बोला था कि हमको खाना खाने का ज़रूरत है, बिकॉज जो अभी हम ट्रेन लेने वाला है वो है कि बालपुंग टू आपको ये जो टेंगा तक का रूट जो बहुत ख़राब है, मतलब छोटा गाड़ी के लिए तो क्या बोले, कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। एंड रिसेंटली अभी जस्ट बारिश हुआ, तो बारिश होने से शायद ऊपर फॉग मिल सकता है, प्लस अभी टाइम हो रहा है 3:22, एंड हमको जैसे भी 8:30 से पहले कास्पी नाला क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि कास्पी नाला में रात को कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाते हैं और उसके बाद उसको बंद कर देते कास्पी नाला को। सो हमको जैसे भी हो हमको क्रॉस करना पड़ेगा, सो ये मेरा लिए एक लाइक टाइम चैलेंज हो जाएगा। सो देखते हैं हम लोग सकेगा कि नहीं सकेगा, आप लोग भी है मेरा साथ, देन लेट्स गेट गोइंग राइट अवे, चलो देरी करके बात करके फ़ायदा नहीं। सो जैसे कि आपको अभी मौसम दिखाई दे रहा होगा, लाइक अलग सा क्लाउडी क्लाउडी भी है एंड थोड़ा बहुत यहाँ धुआं धुआं भी है। सो देखिएगा अभी मेरे साथ ऊपर क्या होता है, किस टाइप का हमको ट्रेन मिलता है, जो भी होगा आप सभी को दिखाएंगे, ज़्यादा रात हो जाएगा तो कैमरा बंद कर देंगे। सो अभी शुरू हो गया अरुणाचल का रास्ता, उसका कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन यहाँ से,
में तो आई वॉज एंजॉइंग माई कार, यहाँ पे पता नहीं हाउ विल आई डू इट। रास्ता में पूरा पानी भर चुका है, पता नहीं कैसे हुआ ये सब, बारिश हो रहा है या कहीं से पाइप फट गया पता नहीं चल रहा। पता नहीं हमको तो शुरुआत में रास्ते इतना घटे घटे मिल रहे, पता नहीं आगे क्या होगा मेरे साथ। सो अभी आगे हम लोग का वाटर क्रॉसिंग, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी दिखाई भी नहीं देता, अंदर में इतना अजीब है। मेरा जग ये रास्ता आएगा तो ना एडवेंचर ही एडवेंचर है, इसलिए मैं बोलता था घूमने वाले ना इस तरफ आओ, एडवेंचर पूरा मिल जाएगा। सो मेरा साइड में आप सभी को यहाँ में खाली खाली दिखाई दे रहा होगा, ये एक्चुअली खाई है, पहले यहाँ में बहुत पेड़ होता था, आजकल तो पेड़ भी नहीं है, पूरा काट दिया। सो ये रास्ता लग बहुत रिस्की है, ज्यादा आप स्पीड नहीं चला सकते ये रास्ते में, क्योंकि अगर कंट्रोल थोड़ा भी खो दिया तो बचने का चांसेस डायरेक्टली जीरो है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा पता नहीं, अभी लाइट का आगे में थोड़ा धुआं 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 जैसे होने शुरू हो गया, तो फॉग अभी शुरू हो गया यहाँ से आप देख सकते हैं। तो जब भी फॉग होगा तो आप लोग कोशिश करो डीपर में चलाने के लिए, ज़्यादा क्लियर होते हैं। अपर में होने से क्या होता है, जो लाइट्स का जो पार्टिकल्स है ना उसको फॉग ने पूरा स्कैटर कर देते और पूरा धुंधला कर देते, इसलिए कुछ दिखाई नहीं देते। बाप रे कुछ ज्यादा ही फॉग है, वो अपर मारने से रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा, जैसे आप देख रहा होगा एक तो धूल भी है प्लस फॉग भी है, तो अपर में रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा पूरा। ये रास्ता का ये एक प्रॉब्लम है ना, यहाँ में बहुत फॉग होता है, समर हो विंटर हो, इसलिए लाइक थोड़ा देर यहाँ रुका है, थोड़ा रेस्ट भी चाहिए, थोड़ा पाँव एक्सीलेटर दबा दबा के, ब्रेक एक्सीलेटर दबा दबा के थक गया। 0 पॉइंट हमने क्रॉस कर लिया, एक चीज करना बाकी रह गया ना, नॉट नेचर स्कूल। सो अभी हम पहुंच गया है नाग मंदिर धज्जा वाला, ये आपको दिखाई दे रहे कि नहीं दे रहे, एंड टाइम हो रहा है आपको 6:09। सो गाइस अभी हम लोग चढ़ने वाला है सबसे टफेस्ट चढ़ाई, अभी हम लोग जो रास्ता में पड़ते हैं दैट इज कास्पी चढ़ाई। ये चढ़ाई में एक ही गाड़ी आ सकते, एक ही गाड़ी आ सकते है, तो अभी ऊपर एक गाड़ी आ रहा था तो उसको हम लोग ने अभी रुका दिया, बिकॉज अभी हम लोग चढ़ चुका है ना, नहीं चढ़ने से अलग बात होता है लेकिन चढ़ चुका है तो इसको रुकना पड़ेगा। पता नहीं मेरा कैमरा कितना जस्टिस कर रहा होगा, नहीं भी कर सकते आई नो। सो मेरा ट्रिप हो और गाड़ी को चोट ना लगे ये तो हो ही नहीं सकते, अभी खर 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 आवाज़ दे रहा था गाड़ी जैसे जैसे मूव कर रहा था, तो अभी हम नीचे झुक के देखा तो क्या टूट गया पता है, ये जो दिखाई दे रहे हैं ना आप सभी को ये वाला, ये जो इसका यहाँ का किचन मेट होता है, ये किचन पेट कवर होते हैं कुछ, तो ये टूट गया, मजबूरी में ये रास्ता से चलना पड़ता है, वरना हमको ये रास्ता से आने पसंद नहीं, क्योंकि ये रास्ता भी अच्छा ही नहीं है, पालीमू वाला से आएगा सोचते लेकिन वहाँ पे कोई कोविड चेक है ही नहीं, इसलिए यहीं से आना पड़ता है, यहीं भी क्योंकि चेक करना पड़ता है, उधर से घूम के आएगा बोलने से बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। अभी हम जो सोच रहे वही टूटा होने से ठीक है, ये कवर अगर सिर्फ टूटा है तो ये बन जाएगा कोई बात नहीं, अगर अंदर का रेडिएटर फ्रेम फिर टूट गया तब तो देखा जाएगा क्या करना पड़ेगा। एनीवेज आज का दिन ही पनौती है, अभी हम कास्पी चढ़ाई पार हो गया तो थोड़ा रिलीफ है अभी हम। सो गाइस अभी हम बाज़ार पहुंच गए, आई मीन घर का नीचे ही पहुंच गए तेंगा बाज़ार, एंड टाइम हो रहा है अभी 7:23। दिमाग ख़राब हो रहा है लेकिन सच्ची में शेयर करने मन तो नहीं है, बट क्योंकि मम्मी लोग देख लेगा, बट फिर भी शेयर कर देता हूँ। कास्पी चढ़ाई का बाद जो एक सिग्नल वाला पॉइंट है वहाँ में भी ग्रेफ ने रास्ता खोद दिया, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा छोड़ दिया उसने, मतलब छोड़ दिया मेरा गाड़ी गया, आगे तो एक पार्ट तो टूट ही गया था कवर, अभी अंदर का रेडिएटर फिर टूट गया फ्रेम वाला जो यहाँ दिखा रहा होगा, परेशान हो गया ओ ये गाड़ी में, हमने कम से कम नहीं भी ये रेडिएटर फ्रेम ये अभी तीसरा बार होगा टूटने वाला, परेशान हो गया यार। परेशान हो गया यार, तीन तीन बार टूट चुका है कम से कम, नहीं नहीं भी इसको इसका दाम ही आपको 8-9,000 लगते हैं लेबर चार्ज के साथ,
9000 9000 9000, अभी ये तीसरे बार में होगा, कितना जाएगा? कम से 20,000 तो इसे खर्चा हो गया। क्या है ये प्लास्टिक का क्यों बनाया नीचे में यार? थोड़ा अच्छा वाला क्वालिटी का बनाना चाहिए था। प्लास्टिक गाड़ी का माइलेज बढ़ाने के लिए प्लास्टिक का बना के रख दिया। अभी देखना पड़ेगा, कल मंगाना पड़ेगा लगता है गुवाहाटी से हमको फिर से। अभी पैसा वैसे ही लॉकडाउन का पच्चीस हालत खराब है। एंड ये सब कुछ ना, ये वो सुबह का काला स्कॉर्पियो का वजह से, उसने मेरा रास्ता नहीं काटने से ना, उसको हमको ब्लॉक नहीं करने से था, हम आराम से आना था। अभी तो हम हरबरी में टाइम बचाने के लिए स्पीड से चला के आना, अदरवाइज हम आराम से आने से तो लगना भी नहीं था होगा शायद। मतलब सिविक सेंस ही नहीं उसको पार्किंग करने के। मैं दिमाग खराब है, क्या बोलेगा हो गया आप लोगों के साथ भी। चलो कोई बात नहीं, जो होगा हम उसको कर लेगा यार, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अभी। एनीवेज आई होप कि आप सभी को ये जो पूरा वीडियो है पसंद आया होगा। तो ये रास्ता से आना है तो रिक्स ना खुद के ऊपर लेके आओ, एंड 8:30 बजे से पहले कास्पी चाराय क्रॉस करने कोशिश करो, क्योंकि वो बंद हो जाते हैं और सुबह का 5 बजे ही खुलेगा, तो रात भर या तो गाड़ी में सोना पड़ेगा। सो एनीवेज होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द सराय डिस्ट्रिक्ट नेटवर्क चैनल। टिल देन साइनिंग ऑफ सराय डिस्ट्रिक्ट नेटवर्क, बाय। Hello guys, hope you guys enjoyed the video. Don't forget to subscribe to the Saraya Digital Network channel and also hit the bell icon. Also, follow us on Facebook and Instagram. Thank you. Signing off.